हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरी को फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। उम्मीद है कि आप सभी को टेस्ट पेपर पसंद आया होगा। लगभग 100 क्वेश्चन का सेट था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कूट आधारित थे, काफ़ी अच्छे प्रश्न का वो संकलन था। जैसे ही टेस्ट पेपर डाउनलोड हुए, जो जो डाउनलोड करते जा रहे थे, तो कुछ ही देर बाद कई लोग के कमेंट आ रहे थे कि इसमें टेस्ट पेपर आपने इसमें आंसर की आपने अटैच नहीं किया है, या जो सॉल्व कर लिए उनके कमेंट आ रहे थे कि हमने सॉल्व कर लिया है, आंसर की हमें प्रोवाइड करें। देखिए, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया था, उसके साथ साथ मैं आंसर की भी प्रिपेयर कर चुका था। मैं चाहता तो आपको टेस्ट पेपर के साथ आंसर की अटैच करके दे सकता था, लेकिन देखिए होता क्या कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाते, तो आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनता आप उसे तुरंत पीछे तरफ से देख करके उसे टिक करके उसे रटने बैठ जाते। तो ये आंसर की प्रोवाइड तुरंत ना प्रोवाइड करने का एक उद्देश्य था। मेरा क्या सोच था कि जैसे आप मैंने जिस सभी को आंसर की प्रोवाइड कराया, जिस रोज़ मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए जो वीडियो बनाया था, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने सभी के ईमेल आईडी पर लगभग आंसर की भेज करके उनके जो नंबर है, मोबाइल नंबर, उसे मैंने टेक्स्ट मैसेज करके उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि आपके ईमेल आईडी पर आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया है करके। लेकिन एक दिन का समय मैंने लिया था। ये एक दिन का टाइम ड्यूरेशन लेने का कारण ये था कि आप जो है जो समय यदि आपने सॉल्व कर लिया है, तो सॉल्व करने के बाद जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, उन प्रश्नों को आप अपने स्तर पर थोड़ा ढूंढिए, बुक में ढूंढिए, नेट में ढूंढिए। उससे क्या है, आपको नई नई चीज़ें जानने मिलेगी, कुछ नए चीज़ें पढ़ने मिलेगा। अपने स्तर पर जो भी चीज़ आप खोज करके उसका आंसर निकालेंगे या उसका आंसर ढूंढेंगे, वो चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से बैठेगी। आंसर तो आपको प्रोवाइड हो ही जाएगा, उसका उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन क्या है, अपने स्तर पर थोड़ा ढूंढने का प्रयास कीजिए। हर बार मैं जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, उसके एक दिन बाद ही आपको उसका आंसर की मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उस टाइम पीरियड में आप खाली रहिए, थोड़ा अपने स्तर पर भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। अपने स्तर पर ढूंढ करके जो चीज़ें आप टिक करेंगे या जो जो आंसर आप ढूंढेंगे, वो चीज़ें आपको काफ़ी समय तक याद रहेगी। ठीक है, चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ बजट। इस टॉपिक में हम छत्तीसगढ़ के बजट में कुछ जो महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए थे, उस पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कुछ उनमें की गई घोषणाएं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। बजट 2018-19, ये बजट जो पेश किए थे, ये बजट पेश किए थे उस समय के वित्त मंत्री, अभी तो फिलहाल सरकार बदल चुकी है, वित्त मंत्री भी नए बनेंगे, लेकिन उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने यह बजट पेश किया था। देखिए, बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। बजट देखिए, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बजट का आकार था, वो था आपका 83,179 या 89 करोड़ रुपए, 83,179 करोड़ रुपए। ये बजट 2018-19 का आकार था, नहीं बोलना चाहिए, आकार है, अभी भी नया बजट आने को है, तो अभी के जो बजट का आकार है, बजट का आकार है 83,179 करोड़ रुपए। इस बजट का आकार है, जो कि पिछले साल के बजट यानी बजट 2017-18 से 9.4% अधिक है। याद रखिएगा, बजट का आकार कितना है, बजट का आकार है आपका 83,179 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के बजट यानी बजट 2017-18 से आपका 9.2% ज्यादा है। कृषि बजट, आप सभी को ये चीज़ मैंने पहले बताया था, एक इसमें अपडेट कर लीजिएगा, मैंने आपको जो कृषि बजट है, कृषि बजट का पृथक रूप से पेश किया गया छत्तीसगढ़ में, इसका मैंने आपको आंसर 2013-14 बताया था, लेकिन उसे थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि बजट और युवा बजट दोनों को पृथक रूप से पेश किया जाता है, जैसे कि केंद्र में आपका आम बजट से पृथक करके रेल बजट पेश किया जाता था, वैसे ही छत्तीसगढ़ में आपका कृषि बजट और युवा बजट को भी पृथक रूप से पेश किया जाता रहा है। देखिए, जो कृषि बजट है, कृषि बजट का आकार है इस बार का 13,480 करोड़ रुपए। इस बार का जो कृषि बजट का आकार है, यह है आपका 13,480 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल बजट 2017-18 से यानी पिछले साल के बजट से 29% यानी 29% अधिक है। याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो कृषि बजट है, कृषि बजट को पृथक रूप से पेश किया जाना कब से प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा बजट 2012-13 से। पिछले बार मैंने आपको 13-14 बता दिया था, इसे थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। बजट 2012-13 से छत्तीसगढ़ में कृषि बजट को पृथक रूप से पेश किया जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट है आपका युवा बजट। युवा बजट मतलब युवाओं को ध्यान में रखते हुए उनके रोजगार से संबंधित, उनके खेलकूद से संबंधित, यानी पूरे तरीके से युवाओं पर फोकस करते हुए उनके लिए जो विभिन्न योजनाएं निकाली जा रही है, खेल क्षेत्र में, विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यानी ये युवाओं पर मुख्यतः फोकस होता है ये बजट। तो ये जो बजट है, युवा बजट, ये छत्तीसगढ़ में पृथक रूप से पेश किया जा रहा है आपका बजट 2015-16 से। बजट 2015-16 से पृथक रूप से
पृथक रूप से युवा बजट पेश किया जा रहा है। देखिए तो इस बार का जो बजट 2018-19 में युवा बजट का आकार था, युवा बजट का आकार था आपका 3,894 करोड़ रुपए। 3,894 करोड़ रुपए इस बार युवा बजट का आकार था। देखिए जो जो बता रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है प्रदेश में पृथक रूप से कृषि बजट कब से पेश किया जा रहा है, तो बजट 2012-13 से। प्रदेश में युवा बजट पृथक रूप से कब से पेश किया जा रहा है, तो याद रखिएगा बजट 2015-16 से युवा बजट को पृथक रूप से पेश किया जा रहा है। ठीक, ये सारे आंकड़े याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो देखिए जो जो मैंने रेड कलर से लिखे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसमें इसको याद रखिएगा। इस बार ये काफ़ी हाईलाइट में था ये चीज़, कृषि बजट का आकार कितना है, 13,480 करोड़ रुपए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये प्रश्न बने। ठीक, देखिए आर्थिक स्थिति 2017-18, विकास दर, ये जो भी आंकड़े जो नीचे लिखे हुए हैं ये सभी के सभी आपके स्थिर कीमतों के आधार पर है। बजट में जो भी आंकड़े जो पेश हुए हैं वो आपके स्थिर कीमतों के आधार पर है। देखिए सरकार ऐसे ही आंकड़े आपके बजट पेश करती है जो डाटा सर्वाधिक हो, यानी जो आंकड़े ज़्यादा हो, कम प्रचलित कीमतों पे जो भी आंकड़े होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। बजट में सरकार अधिकतर जो आंकड़े सर्वाधिक होते हैं, ज़्यादा आंकड़े जो बड़े होते हैं उन आंकड़ों को पेश करती है। स्थिर कीमत के जो भी आंकड़े होते हैं वो प्रचलित कीमतों की तुलना में थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो यही कारण है आप ये बजट पढ़ रहे हैं, इसमें आप ये स्थिर कीमतों के आधार पर जो आंकड़े हैं उन्हें ही पढ़िएगा। देखिए वैसे मैं पहले आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें ये सारे आंकड़े बता चुका हूँ। देखिए आर्थिक विकास यानी GSDP या GDP, छत्तीसगढ़ और भारत का यहाँ पे कंपैरिजन है। जो छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर है, आर्थिक विकास दर या GSDP या सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि है वो स्थिर कीमतों के आधार पर छत्तीसगढ़ का है 6.65%। कब की स्थिति में, 2017-18 की स्थिति में। 2017-18 की स्थिति में जो छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है, आर्थिक विकास दर है या GSDP में जो वृद्धि दर है वो है आपका 6.65%, जबकि भारत का है आपका 6.5%। छत्तीसगढ़ का 6.65%, भारत का 6.5%। अब देखिए जो हमारे जो तीन प्रमुख घटक है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसके विकास दर को भी याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कृषि विकास दर या कृषि क्षेत्र या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जो विकास दर है वो छत्तीसगढ़ का है आपका 2.89% स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का विकास दर कितना है, 2.89%, जबकि जबकि भारत का कितना है, 2.13%, यानी 2.13% कृषि क्षेत्र का विकास दर है भारत का। छत्तीसगढ़ का कितना है 2.89%, भारत का कितना है 2.13%। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास दर है छत्तीसगढ़ में, औद्योगिक क्षेत्र का विकास दर है 5.84%, 5.84%, 5.84% औद्योगिक क्षेत्र का विकास दर है या द्वितीय क्षेत्र का विकास दर है, जबकि भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विकास दर है 4.37%, 4.37% औद्योगिक क्षेत्र का विकास दर है। याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र का विकास दर छत्तीसगढ़ कितना है 5.84%, जबकि भारत का कितना है 4.37%। नेक्स्ट है आपके सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जिसमें छत्तीसगढ़ में आपका विकास दर है सेवा क्षेत्र का 9.46% विकास दर है आपके सेवा क्षेत्र का, किसमें, स्थिर कीमतों के आधार पर, जबकि भारत का स्थिर कीमतों के आधार पर सेवा क्षेत्र का विकास दर है 8.28%। सेवा क्षेत्र का विकास दर छत्तीसगढ़ का 9.46%, भारत का 8.28%। ठीक, सारे आंकड़े याद कीजिएगा। देखिए यदि आप एक ओवरव्यू देखेंगे तो जो हमारा छत्तीसगढ़ के जो भी आंकड़े हैं या छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है वो अखिल भारतीय विकास दर से सर्वाधिक है, या अखिल भारतीय जो विकास दर है उसकी तुलना में सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पे 6.65 है, भारत का 6.5 है, छत्तीसगढ़ का 2.89 है, देखिए यहाँ पे 2.13 है, 5.84 है, 4.37 है, यानी हमारा छत्तीसगढ़ भारत की तुलना में विकास के मामले में काफ़ी अच्छा है एक कंपैरिजन में। ठीक है, देखिए ये सारे आंकड़े याद कीजिएगा, और हो सके तो स्पेशली ये जो आपका कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है इसके स्थिर कीमतों के आधार पर जो ये आंकड़े हैं इसे थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा और भी आंकड़े हैं, जैसे स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, प्रचलित कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, स्थिर कीमतों के आधार पर GSDP में कृषि क्षेत्र की भागीदारी, प्रचलित क्षेत्र में प्रचलित भाव पर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की भागीदारी, ये सभी पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने आर्थिक सर्वेक्षण में देखा नहीं है वीडियो तो एक बार आर्थिक सर्वेक्षण के आई थिंक जो हमारा थर्ड या फोर्थ पार्ट है, नहीं तीसरा या चौथा अध्याय पे मैंने इसे
पूरे डिटेल में बताया है, एक पूरा चार्ट बना के मैंने इसे बताया, काफ़ी अच्छे से बताया है, तो वहाँ से जाकर के आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो आपके बजट के जो मुख्य बिंदु में शामिल है, केवल उन्हीं आंकड़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ। बाकी और भी आंकड़े हैं, जैसे GHDP में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की भागीदारी, इसे जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण वाले वीडियो है उसे देख लीजिएगा। देखिए, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। अब कुछ जो इस बार के बजट में जो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इस बार के बजट में 9 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा की गई है, या 9 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की इस बार घोषणा की गई है। देखिए, घोषणा के साथ साथ कुछ एक राशि आवंटित भी की जा रही है, वो राशि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही बता रहा हूँ। जैसे 9 औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए 300 करोड़ की राशि आवंटित है, ऐसे हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आपको कितनी राशि आवंटित है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो जो चीज़ बता रहा हूँ आप उसे याद रखिएगा। 9 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की बात इस बार के बजट में कही गई है। देखिए, वो कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है, कहां कहां पर है, स्थान का नाम याद रखिएगा। पहला है आपका खमरिया और दूसरा परसिया। खमरिया और परसिया ये दोनों मौजूद है आपके मुंगेली जिला में। कौन कौन सा? खमरिया और परसिया, ये दो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था बजट 2018-19 में। फिलहाल सरकार चेंज हो गई है, हो सकता है ये औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण में डिले हो सकता है या इनके निर्माण अटक सकते हैं, वो बात का मैटर है। लेकिन याद रखिएगा, इस बार के बजट में खमरिया और परसिया ये दो नए औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, मुंगेली में, इसके निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। तीसरा है आपका सियारपाली और महुआपाली। सियारपाली महुआपाली दोनों एक ही जगह के नाम है। सियारपाली महुआपाली ये है आपके रायगढ़ में। सियारपाली महुआपाली नया औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, तो कहाँ पर है, रायगढ़ जिले में। उसके बाद चौथा है अभनपुर और पांचवा है बरतोली तिल्दा। अभनपुर और बरतोली तिल्दा ये कहाँ पर है, आपके रायपुर जिले में, चिचपोल बलौदा बाजार में। सातवें नंबर पर है जी आमगांव और भेंड्रा इरी, दोनों एक साथ है। जी आमगांव एक औद्योगिक क्षेत्र और दूसरा है भेंड्रा इरी, ये कहाँ पर है, आपके धमतरी में। और लास्ट है नौवा आपका परसगढ़ी। परसगढ़ी कहाँ पर है, आपके कोरिया जिले में। ठीक है, तो ये 9 के 9 औद्योगिक क्षेत्रों के नाम याद रखिएगा, कौन कौन से किस किस जिले में मौजूद है। अब इसके अलावा ये बजट के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों में इनको थोड़ा स्पेशली याद रखिएगा। देखिए, सरकार को जो राजस्व प्राप्ति होती है, राजस्व व्यय होता है, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, ये सारे पे मैं डिटेल अध्याय 5 वाला मैंने आपको पिछले बार भी कहा है, उस वीडियो को जाके देख लीजिए, तभी ये सब टर्म आपको क्लियर होंगे। तो देखिए, सरकार को जो भी राजस्व प्राप्ति होती है तो उस राजस्व प्राप्ति का कितना बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में व्यय होता है, तो देखिए क्षेत्रवार व्यय। सरकार का जो आय हुआ, उस आय में जो सरकार ने व्यय किया, तो व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा आर्थिक क्षेत्र में व्यय हुआ। जो भी सरकार को राजस्व प्राप्ति हुई और जो सरकार ने जो व्यय किया, उस व्यय का लगभग 40% हिस्सा आपका आर्थिक क्षेत्र में व्यय हुआ। यानी सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में हुआ, आर्थिक क्षेत्र में हुआ। उसके बाद दूसरा सामाजिक क्षेत्र में हुआ, कितना परसेंट हुआ, 39%। आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय हुआ। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए क्षेत्रवार व्यय किस मद में सर्वाधिक है या किस मद का क्षेत्रवार व्यय सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय किया। आर्थिक क्षेत्र और कई पार्ट में बढ़ता है, जैसे आपका लोक निर्माण हो गया, सड़कों का निर्माण हो गया, सिंचाई परियोजना हो गया, पंचायत और ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम है वो हो गए, तो ये क्या है, आपके आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी देखिए, इससे संबंधित में जो भी आंकड़े हैं हमारे टेलीग्राम पेज और जो फेसबुक चैनल बना हुआ है, दोनों में मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसमें और भी है, जैसे आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय किसमें हुआ है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में। वैसे ही सामाजिक क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय किसमें हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। तो इससे संबंधित आपको डाटा मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, बस अभी इसमें इतना ही याद रखिए कि जो क्षेत्रवार व्यय हुआ है, क्षेत्रवार व्यय आपका सर्वाधिक हुआ है आर्थिक क्षेत्र में। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया था कर राजस्व, गैर कर राजस्व, जो आपके राजस्व प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति दो, उसके दो घटक होते हैं, एक होता है कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। तो देखिए, सर्वाधिक कर राजस्व किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, सर्वाधिक कर किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो सरकार को जो इनकम हुई या सर्वाधिक जो कर राजस्व की प्राप्ति हुई, वो प्राप्ति हुई आपका वाणिज्यिक कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स, जो आपके उद्योग क्षेत्र से जो निगम कर वसूले जाते हैं, ये सारे टैक्स उसी से काउंट होते हैं। यानी औद्योगिक क्षेत्र से जो टैक्स वसूले जाते हैं वो किसमें
अकाउंट होते हैं आपके वाणिज्यिक कर के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, जो सरकार को जो सर्वाधिक कर राजस्व की प्राप्ति किस क्षेत्र से हुई पूछा जाए, तो याद रखिएगा वाणिज्यिक क्षेत्र से सरकार को सर्वाधिक कर राजस्व की प्राप्ति हुई। कुल कर राजस्व का लगभग 61% राजस्व, कुल कर राजस्व का अकेला 61% राजस्व वाणिज्यिक कर के रूप में सरकार को प्राप्त हुआ। ठीक, उसके बाद है आपका आबकारी कर। आबकारी कर जो कि सेकंड नंबर पर है वो है आपका 17%। आंकड़े सेंड कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, यानी सर्वाधिक कर राजस्व किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, वाणिज्यिक कर के रूप में। उसके बाद आबकारी कर, उसके बाद देखिए कुछ जहां जगह कम पड़ गया था, कुछ आंकड़े थोड़े इधर उधर हो गए हैं। देखिए राजकोषीय घाटा, इस राजकोषीय घाटा का परसेंट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का राजकोषीय घाटा GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, जो स्टेटमेंट बोल रहा है समझिएगा, छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP का 2.96% है। ये परसेंटेज को थोड़ा याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96% है। इसके अलावा ब्याज भुगतान, इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा हाईलाइट में था। ब्याज भुगतान जो कि आपका 5.19% था राजस्व प्राप्ति का, जितनी भी राजस्व प्राप्ति हुई छत्तीसगढ़ सरकार को, राजस्व प्राप्ति का 5.19% आपका ब्याज भुगतान था। ठीक है, ये सारे आंकड़े याद रखिएगा। देखिए अब कुछ जो घोषणाएं और कुछ जो राशि आवंटित है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पर है आपका मनरेगा। मनरेगा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवंटित राशि है आपका 14.19 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, 14.19 करोड़ रुपए। हमने पिछले वीडियो में देखा था केंद्रीय बजट वाले में, केंद्र सरकार द्वारा कितना राशि आवंटित किया गया था इस मनरेगा के लिए, 55,000 करोड़ रुपए। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको जो हमारा ग्रामीण विकास वाला एक इकोनॉमिक सर्वे वाला जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि 100 दिन का रोजगार केंद्र सरकार देती है, 100 दिन से एक्स्ट्रा रोजगार राज्य सरकार दे सकती है, लेकिन जो भी अतिरिक्त रोजगार राज्य सरकार देगी उसका जो वहन है, व्यय का जो वहन है, उसे राज्य सरकार को स्वयं करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो देखिए उस 150 दिन का रोजगार में यानी 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार जिसका व्यय का वहन कौन कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार। तो देखिए मनरेगा के लिए जो आवंटित राशि है, तो जो 50 दिन का जो अतिरिक्त जो व्यय का जो वहन है उसी के लिए राशि आवंटित की गई है। तो मनरेगा के लिए जो आवंटित राशि है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वो है आपका 14.19 करोड़ रुपए। इसके साथ एक आंकड़े और अपडेट कर लीजिएगा, मैंने मनरेगा में प्रति व्यक्ति जो भुगतान है वो जो मैंने आपको बताया था वो था आपका 172 रुपए प्रतिदिन, लेकिन अब वो 2 रुपए उसमें और बढ़ोतरी हुई है जो मैंने उसमें अपडेट नहीं करवाया था आपको। आर्थिक सर्वेक्षण में 172 रुपए दिया हुआ था, लेकिन उसे अपडेट कर लीजिएगा, 174 रुपए प्रतिदिन, 174 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इस बजट में घोषणा की गई कि 6 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, 6 नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। वो 6 कौन कौन से है, एक है आपका जशपुर, कोरबा, छुई खदान, कुरुद, गरियाबंद और महासमुंद। इन 6 जगहों पर 6 नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। जगह के नाम याद रखिएगा, आंकड़े भी याद रखिएगा, कितने स्थानों पर नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया, तो याद रखिएगा 6 नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना की बात कही गई थी इस बजट में। वो जगह कौन कौन से है आपके, है जशपुर, कोरबा, छुई खदान, कुरुद, गरियाबंद और महासमुंद। ठीक, नेक्स्ट, कृषि स्नातकों को पेशेवर कृषि उद्यमी के रूप में, देखिए कृषि स्नातकों को कृषि क्षेत्र में एक उद्यमी के तौर पर कृषि महाविद्यालयों की सहायता से ये एक योजना चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर यह योजना चलाई जा रही है। देखिए जो जैसे क्या कृषि क्षेत्र में एक रोजगार डेवलप करने और जो कृषि महाविद्यालय में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, जो कृषि स्नातक जो उससे पास आउट और हो रहे हैं, उन्हें एक कृषि उद्यमी के रूप में उन्हें विकसित करने या उन्हें एक रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कृषि महाविद्यालयों की सहायता से चलो गांव की ओर योजना छत्तीसगढ़ सरकार इस साल प्रारंभ करी है। तो याद रखिएगा चलो गांव की ओर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, कृषि स्नातकों से संबंधित है। याद रखिएगा चलो गांव की ओर योजना कृषि स्नातकों या कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इस बार के बजट में यह भी घोषणा की गई कि 6 ये जो 6 लघु वन उपज है, इन 6 लघु वन उपजों पर अलग से बोनस दिया जाएगा, इन 6 लघु वन उपजों पर अलग से बोनस दिया जाएगा। वो 6 लघु वन उपज कौन कौन से है, देखिए साल बीज, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कोसमी लाख और हर्रा। साल बीज, महुआ बीज, इमली,
चिरौंजी, गुठली, कोसमीलाख और हर्रा, इन छह के छह वन उपजों के नाम याद रखिएगा। इस बार के बजट में इन छह लघु वन उपजों पर अलग से आपका बोनस दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। ठीक, तो ये कौन कौन से है? साल बीज, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी, गुठली, कोसमीलाख और हर्रा। ठीक, देखिए इस बार के बजट में ये कहा गया है, ये जो आपका आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतीहर योजना, आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतीहर योजना का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें विलय कर दिया जाएगा। प्रदेश में जो ये योजना चल रही है, कौन सा, आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतीहर योजना, इन दोनों का जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजना प्रारंभ की गई है, आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें इन दो योजनाओं का विलय कर दिया जाएगा। देखिए ये योजनाएं क्या है, जो आपका आम आदमी बीमा योजना है, ये आपका आम आदमी बीमा योजना ये प्रारंभ हुआ था आपका 1 फरवरी 2009 से, 1 फरवरी 2009 से यह आपका आम आदमी बीमा योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है। ठीक, अटल खेतीहर योजना जिसे प्रारंभ किया गया था आपका 25 दिसंबर 2013 से, 25 दिसंबर 2013 से यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। आम आदमी बीमा योजना यह केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2009 को प्रारंभ की गई थी। अटल खेतीहर योजना जो कि 25 दिसंबर जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन उस दिन रहता है, और साथ ही साथ ये आपका इस दिन हम सुशासन दिवस भी मनाते हैं। तो देखिए अटल खेतीहर योजना कब प्रारंभ किया गया था, 25 दिसंबर 2013 को, 1 फरवरी 2009 को आम आदमी बीमा योजना, दोनों में जो आपका बीमा कवर दिया जाता है दोनों सेम है, लेकिन आम आदमी बीमा योजना ये भूमिहीन परिवारों के लिए है, ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं की खुद की भूमि नहीं है, ना ही कृषि भूमि है ना ही रहने की भूमि है, तो उन व्यक्तियों को इसके अंतर्गत बीमा कवर मिलता है। अटल खेतीहर योजना, अटल खेतीहर योजना के अंतर्गत कृषि जो कृषि कार्य में जो संलग्न परिवार है, कृषि कार्य में जो संलग्न परिवार है, यदि उसकी मुखिया की मृत्यु हो जाती है या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या शारीरिक अपंगता होती है, तो उस कंडीशन में इसे बीमा कवर मिलता था। तो इन दोनों योजनाओं को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इन दोनों योजनाओं का विलय कर दिया गया। कब से, देखिए 1 मई 2018 को ये उस समय प्रस्ताव रखा गया था कि 1 मई 2018 को इन दोनों योजनाओं का, इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में विलय कर दिया जाएगा। देखिए जब ये योजना, ये जो दोनों में सेम कवर होता था, जब सामान्य परिस्थिति में जब मौत होती थी आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतीहर योजना में, तो उस समय 30,000 रुपये का बीमा कवर प्राप्त होता था, लेकिन अब विलय के पश्चात इनकी आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में इन्हें 2,00,000 रुपये का बीमा कवर मिलेगा। ठीक, पहले कितना मिलता था, 30,000 रुपये, लेकिन विलय के पश्चात आप कितना मिलेगा, 2,00,000 रुपये। एक्सीडेंटल यदि उनकी मौत होती है या स्थायी अपंगता होती है, स्थायी अपंगता यानी परमानेंट यदि उनका वो हैंडीकैप हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले उनको मिलता था 75,000 रुपये, लेकिन अब विलय के पश्चात इनको मिलेगा 4,00,000 रुपये। याद रखिएगा सामान्य परिस्थिति में मौत पर आपका मिलेगा 2,00,000 रुपये, जबकि एक्सीडेंट व स्थायी अपंगता की स्थिति में आपको मिलेगा 4,00,000 रुपये का बीमा कवर। दोनों को याद रखिएगा, डेट याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, इसमें 18 से 59 वर्ग आयु वर्ग के शामिल होते हैं, 18 से 59 वर्ग आयु वर्ग शामिल होते हैं आम आदमी बीमा योजना में आपका भूमिहीन परिवार है, अटल खेतीहर योजना में आपका कृषि कार्य में संलग्न परिवार है। डेट याद रखिए, विलय कब हुआ, 1 मई 2018 को। नेक्स्ट, ई विद्या योजना, ई विद्या योजना ये आपका संबंधित है वर्चुअल एजुकेशन परियोजना, वर्चुअल एजुकेशन परियोजना, जैसे आप अभी बहुत जगह सुन रहे होंगे कि स्मार्ट क्लासेस लग रही है, यानी एक बड़े से प्रोजेक्टर के थ्रू उन्हें पढ़ाया जाता है, इमेजेस के थ्रू पढ़ाया जाता है, कोई भी पढ़ाई होती है उसे इमेजेस के थ्रू या एक वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाते हैं, तो वही है आपका वर्चुअल एजुकेशन। तो जैसे प्राइवेट स्कूलों में चल रहे हैं बहुत जगह आपकी स्मार्ट क्लासेस चल रही है, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को इन वर्चुअल एजुकेशन परियोजना से जोड़ने का प्लानिंग किया गया है, स्पेशली ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो ई विद्या क्या है, आपका वर्चुअल एजुकेशन परियोजना है। नेक्स्ट, युवा और खेल प्रोत्साहित हेतु, युवाओं में खेल भावना को बढ़ाने तथा उन्हें खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस बार के बजट में
पूरे प्रदेश भर में 60 मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे या स्थापित किए जाएंगे ऐसा प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये, सरगुजा में खेल अकादमी खोला जाएगा। इस बजट में यह घोषणा की गई है कि सरगुजा में आपका खेल अकादमी खोला जाएगा तथा एथलेटिक्स अकादमी आपका रायपुर में खोला जाएगा ये प्रावधान किया गया था। एथलेटिक्स अकादमी आपका रायपुर में ऑलरेडी खोल दिया गया है, खेल अकादमी अभी सरगुजा में खोलना बाकी है। तो याद रखिएगा, खेल अकादमी कहाँ पर है, सरगुजा में खोला जाएगा, एथलेटिक्स अकादमी आपका रायपुर में खुल चुका है। ठीक, दोनों को याद रखिएगा, दोनों प्रश्न बन सकते हैं, स्पेशली ये खेल अकादमी वाले का। इसमें क्या है, सरगुजा देगा, बस्तर देगा, रायपुर देगा, तो मोस्टली रायपुर लोग लगाते हैं, लेकिन उसे मत लगाइएगा। इसमें खेल अकादमी में सरगुजा लगाइएगा, एथलेटिक्स अकादमी में आप रायपुर लगाइएगा। नेक्स्ट, भारत नेट परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 85 ब्लॉक के 5987 ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, छत्तीसगढ़ में इसका योजना चल रहा है, छत्तीसगढ़ डिजिटल बनाए जाने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। तो उसी एक दृष्टि में छत्तीसगढ़ में जो भारत नेट परियोजना है, ये अभी केंद्र सरकार की योजना है, इस भारत नेट परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जो 85 ब्लॉक के 5987 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से उन्हें जोड़ा जाएगा। 5987 ग्राम पंचायत, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये किसकी है, ये केंद्र सरकार की योजना है, ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जिसमें बस्तर नेट परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आपका 836 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को डिजिटल बनाए जाने के उद्देश्य से बस्तर नेट परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग के जो क्षेत्र है, उस बस्तर संभाग के जो जिले हैं, उसमें लगभग 836 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर्स इस बस्तर नेट परियोजना के अंदर बिछाए जाने की घोषणा इस बार के बजट में की गई थी। ठीक, ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अमृत मिशन। देखिए, अमृत मिशन अलग है, मिशन अमृत अलग है, और ये है आपका अमृत मिशन, जिसमें प्रदेश के 9 नगरीय निकायों को जोड़ा गया है। ये अमृत मिशन है क्या, जैसे आप सभी को मालूम है कि स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए बहुत सरकार प्रयास कर रही है, जैसे हमारे रायपुर को स्मार्ट सिटी, बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन क्या है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन क्या है, ये जो आपका अमृत मिशन के अंतर्गत कुछ ऐसे शहर जिसमें उचित संसाधन मौजूद है, उनके पास जो आय के अच्छे स्रोत या उसमें आपके इंडस्ट्रीज लेवल पर वो काफ़ी डेवलप है, ऐसे क्षेत्रों का इसमें चयन किया जा रहा है अमृत मिशन के अंतर्गत। इसमें ये देखिए, ये कब प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ है आपका 2 जून 2015 को यह केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है, जिसका फुल फॉर्म है अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन, अटल मिशन ऑफ रिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत भर में से 500 शहरों को जोड़ा गया, पूरे भारत भर में से 500 शहरों का चयन किया गया, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के 9 नगरीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इसका क्राइटेरिया क्या है, ऐसे शहर जिनमें जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक हो, ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक हो तथा उनके पास उचित संसाधन मौजूद हो, तो ऐसे शहरों का इसमें चयन किया गया। इसमें क्या है, इन्हें जो है स्मार्ट सिटी के तर्ज पर ही इसमें इन्हें पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, आपका हरित उद्यान, ये सारे के सारे मतलब एक स्मार्ट सिटी के तर्ज पर इन शहरों को विकास किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो ये जो 9 नगरीय निकाय कौन कौन से, याद रखिएगा, देखिए बस्तर से है आपका जगदलपुर, इधर है आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़ और अंबिकापुर। कौन कौन से शहर है, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़ और अंबिकापुर। इन 9 नगरीय निकायों के नाम याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा अमृत मिशन के अंतर्गत कितने शहरों का चयन हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ से, या कितने नगरीय निकायों का चयन हुआ है, तो याद रखिएगा 9 नगरीय निकायों का चयन हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में से। ठीक, तो ये सारे आंकड़े याद रखिएगा, सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। इसके अलावा यदि आपको इसे संबंधित और भी आंकड़े देखने हैं, जो आर्थिक स्थिति से संबंधित प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं हम पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण वाले हमारे चैप्टर में कवर कर चुके हैं। ठीक, इससे संबंधित यदि किसी भी प्रकार का डाउट
डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।